तो आइए हम इस परिवार की गवाही को ध्यान से सुनेंगे और आपने देख पाया कि कैसे परमेश्वर ने अपने लोगों को आजाद किया है। भाई आपका नाम क्या है? रोहन। आप कहाँ के रहने वाले हैं? बरेज मंसूराबाद प्रयागराज। और ये बगल में जो खड़ी है वो कौन है? हमारी माँ है। और आपकी माँ आपके साथ में आपकी गवाही को देने के लिए आई है और आपने अपनी गवाही में लिखा है कि जब आप 13 साल के थे तभी से आपको व्यभिचार का अटैक हुआ, यानी आपके मन में व्यभिचार का मन होने लगा, जैसे कि आप गंदे गंदे वीडियो को देखना, और वीडियो को देखने के बाद आप दिन भर में 3 से 4 बार हस्त मैथुन भी किया करते थे आप। जी भैया। आप खुद बताएं कि 13 साल की उम्र से, यानी आपकी उम्र इस समय कितनी है? जी 19 साल है। और 13 साल की उम्र से आपके जीवन में आपको पाप का प्रभाव हुआ, आपकी शुरुआत इस गंदे काम की ओर कैसे हुई? जी जब मैं 13 साल का था तभी से मुझे व्यभिचार की लत ने पकड़ लिया भैया, और जैसे जैसे मैं बढ़ता गया वैसे वैसे और ज्यादा उसमें ग्रसित होता गया भैया। मैं इतना इतना डिप्रेशन में था भैया, इतना चला गया व्यभिचार में कि मैं छूट नहीं पा रहा था। और जब आपकी शुरुआत कैसे हुई, मतलब आप जब 13 साल की उम्र में थे, आपको कैसे, क्या लोगों ने क्या सिखाया आपको जब आप इस तरह की गंदगियों में आप डूबते चले गए? जी जब हम 13 साल के थे तो गलत संगति में के वजह से भैया ये हम करने लगे थे। और जब आप 13 साल के थे तब आपने इस तरह की गंदी बातें सीखी और उसमें लगातार आप बढ़ते गए। ध्यान दे कलीसिया, यहाँ पर जितने भी जवान लोग हैं, चाहे वो यहाँ पे भाई हो, चाहे बहन हो, चाहे भी जो भी हो, परमेश्वर ने सबको पाप से छुड़ाया है, केवल बीमारी से नहीं, पाप से भी छुड़ाया है। इसीलिए यहाँ पे जवान लोग भी इतने सारे उपस्थित रहते हैं। और ये भाई बता रहे हैं कि ये गलत गलत वीडियो को देखना शुरू किए और फिर इनकी जो लत है वो बढ़ती गई, और इन्होंने लिखा है कि मैं दिन भर में 3 से 4 बार हस्त मैथुन किया करता था और ये लड़कियों से भी फोन पर बात किया करते थे। जी मेरे लड़कों के साथ और लड़कियों के साथ दोनों साथ संबंध था। और ध्यान दे कलीसिया की ये भाई बता रहे हैं कि केवल लड़कियों के साथ ही इनका संबंध नहीं रहता था, ये लड़कों के साथ भी गलत संबंध बनाया करते थे। और ये बहुत ज्यादा 13 साल की उम्र से लगातार, जब तक इन्होंने प्रभु को नहीं जाना, सच्चाई को नहीं जाना, ये पूरी तरह से जैसे एक जानवर जीता है, ये मनुष्य का पूरा स्वभाव छोड़ करके एक जानवर की तरह जीना शुरू कर दिए थे। जी भैया। और आप कितने लड़कियों से बात किया करते थे आप? जी 2-3 ऐसे। और आप मतलब कितने लड़कों से इस तरह के, आपने अब तक इस तरह के काम कर चुके आप भैया? 20-25। और 20 से 25 लड़कों के साथ आपने गलत संबंध भी बनाए हैं, और यहां तक कि आप ध्यान से सुने, यहां कोई छुपी बात नहीं है, हम परमेश्वर के सामने हैं। और ये भाई अपनी गवाही को बताने आया कि किस तरह मैं था और परमेश्वर ने मुझे किस तरह छुड़ा लिया। और यहां पर इन्होंने लिखा है कि इतना ज्यादा इनकी लत गंदी हो चुकी थी कि ये जानवरों के साथ भी गलत संबंध बनाया करते थे। जी भैया। और ये केवल लड़कियों के साथ नहीं, परंतु लड़कों के साथ, जानवरों के साथ, और गंदी वीडियोस देखना, इस तरह की पूरी तरह से ये पाप में डूब चुके थे। जी भैया। आपको क्या होता था जब आप सुबह उठते थे या फिर सोते थे, दिन भर में क्या विचार आया करते थे हमेशा आपको? भैया जब घर के लोग सब रात को सो जाते थे तब मैं उठता था और गंदे वीडियोस को देखता था और लड़कों के साथ गलत संबंध बनाता था रात ही में भैया। और जब आपके घर के लोग सो जाते थे, आप अकेले उठ के चले जाते थे, आप गंदी वीडियो को देखना, लड़कों के साथ गलत संबंध बनाना, और इस तरह की पूरी रीत से आपके जीवन में पाप का स्वभाव हो चुका था। जी भैया। और आपने फिर लिखा है कि इस तरह काम जब तक आप नहीं कर लेते थे आपको सुकून नहीं होता था। जी भैया। नहीं, सुकून ही नहीं मिलता था भैया, जब तक मैं कर नहीं लेता था तब तक मुझे चैन नहीं मिलता था, इतना ज्यादा मैं उसमें फंस चुका था भैया। और आप 13 साल की उम्र से लगातार इस तरह पाप में फंस चुके थे कि दिन भर में यदि आप जब तक गलत काम नहीं करते थे, गलत संबंध नहीं बनाते थे, तब तक आपको सुकून नहीं होता था, और लगातार आप इसी
दिमाग में चला करते थे आप? जी भैया। आप जब रास्ते में चलते थे भाई, घर में रहते थे आप, और सोते समय क्या विचार आते थे आपको? भैया मैं जब लड़कों को देखता था तो मेरे दिमाग में गंदे विचार आते थे, और लड़कियों को देखता था तो गलत विचार आते थे भैया। और इस तरह की हमेशा गलत विचार आपके मन में आया करते थे, और हमेशा गलत बातों को सोचना, और जब तक आप कुछ भी गलत नहीं कर लेते थे तब तक आपको सुकून नहीं होता था? जी भैया। और आपने लिखा है कि इस तरह करते करते आपने कितने साल तक इस तरह के काम किए? जी 5-6 साल तक। ऐसे 5-6 साल तक लगातार कंटिन्यू आपने इस तरह के काम करते गए? जी भैया। एक बात बताइए, क्या आपके मम्मी पापा को इस बात को मालूम था? जी नहीं, मम्मी पापा को इस बात को मालूम नहीं था भैया। और आप ध्यान दे कलिसिया कि इनके माँ बाप भी इस बात को नहीं जानते थे कि मेरा बेटा इस तरह पाप में है, इस तरह गलत में है, लेकिन आज ये बदलने के बाद अपनी गवाही इसीलिए दे पा रहा है क्योंकि इसके पास यीशु मसीह का वचन आ चुका है। तारीफ करें चोर से एक बार हाथों को उठा के। और लगातार इस तरह से ये 5-6 साल तक लगातार ये गलत वीडियो को देखते रहे, और आप समझ सकते हैं कि दिन भर में 3-4 बार ये हस्तमैथुन किया करते थे, और यहाँ तक कि लड़कियों के साथ, लड़कों के साथ, जानवरों के साथ गलत संबंध बनाया करते थे। जी भैया। और आपने लिखा है कि जब आप इस तरह के काम करते थे आप कितने, आप कमजोरी आपको फील होती थी, आप कैसे हो चुके थे? जी भैया, जब मैं चलता था तो मुझे चक्कर आता था और मेरा सर दर्द करता था, बॉडी पूरी दर्द करती थी भैया, मेरा कमर दर्द करता था, मेरा सर बहुत तेज दर्द करता था। और भाई एक बात बताएं कि जब आप इस तरह के काम लगातार 5-6 साल आपने किया और आप इस तरह लगातार करते रहे, क्या आपके मन में कभी आया इस तरह कि मैं गलत कर रहा हूँ, मैं मुझे छोड़ना चाहिए? जी भैया, मेरे अंदर आवाज़ आती जब मैं ये सब करता था तो मेरे अंदर से आवाज़ आती कि ये गलत है, ऐसा मत कर। किंतु भैया मैंने छोड़ने के बहुत प्रयास किया लेकिन मुझसे वो छूट ही नहीं रहा था। मैं अकेले में रो रहा था भैया कि मुझसे कैसे छूटेगा, लेकिन मुझसे नहीं छूट रहा था भैया। और ध्यान दें कि ये भाई बहुत प्रयास करते थे कि इस तरह के गलत काम से छूट पाए, लेकिन इन्होंने बहुत प्रयास करने के बाद भी ये नहीं छूट पाए, और ये बता रहे हैं कि ये हमेशा रोते रहते थे कि ये ऐसे इन गलत कामों से आजाद हों। जी भैया। उसके बाद फिर क्या हुआ आपके जीवन में? भैया जब मैं अकेले में जाता था तो मैं बहुत रोता था भैया, मैं बहुत डिप्रेशन में था कि मैं इससे कैसे छूटूंगा, मैं इससे कैसे नहीं जात पाऊंगा भैया। मैं कभी कभी नशे भी कर लेता था कि मुझे चिंताओं की वजह से मैं नशे भी कर लेता था कि मैं नशे कर लूंगा तो मुझे इतना चिंता नहीं होगी। क्या करते थे नशे में, आप क्या खाते थे? जी भांग खाता था। और आप इन सब डिप्रेशन के कारण, ये जब गलत काम आपसे नहीं छूटता था, आपने सोचा कि मैं नशे कर लूं ताकि मैं इससे टेंशन से मैं दूर हो जाऊं, और आप बीच बीच में भांग भी आप खाया करते थे? जी भैया। आपने लिखा है कि मैं डॉक्टर के पास गया दवा लेने के लिए, क्या बीमारी थी आपको, क्या दिक्कत था, किस चीज का आप दवा लेने के लिए डॉक्टर के पास गए थे आप? भैया मैं जब बीमार होता था भैया, मेरे बुखार आता था और सर दर्द बहुत तेजी से फटता जाता था, पूरे बॉडी में दर्द रहता था। जब मैं एक बार डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने मुझे कोरोना की दवा दे दी। और ध्यान दें कि ऐसा करते करते इनकी शरीर इतनी ज्यादा कमजोर हो गई, इतना ज्यादा इनको डिप्रेशन हो गया और रोना आता था, और इसके कारण से इनको धीरे धीरे कुछ ना कुछ बीमारियां इनके जीवन में बढ़ती गई। और जैसा इन्होंने लिखा है कि मैं जब डॉक्टर के पास गया और मैं मुझे आराम नहीं हुआ, तब एक इनके घर वालों लोगों ने इनको तंत्र मंत्र वालों के पास ले गए। जी भैया। कितने जगह पर आप गए तंत्र मंत्र के लिए? भैया एक जगह गए थे। और फिर आपने वहां पर आपने तंत्र मंत्र वाले के पास गए, आपको फिर आपने लिखा है आपको वहां से भी कुछ आराम नहीं हुआ? जी भैया, वहां से कुछ भी रिलीफ नहीं मिला। और फिर आपने लिखा है धीरे धीरे और भी समस्या बढ़ती गई, फिर जैसे आपको लिखा आपने दांत खुजली भी आपको हो गया, यहाँ तक कि पैर में अप्रस हो गया और आपको धात गिरने की भी प्रॉब्लम हो गई। जी भैया। और फिर और आप नशे भी करने लगे थे। जी भैया। और एक दिन ऐसा हुआ कि आप बहुत ज्यादा बीमार हो गए
और बहुत तेज आपको बुखार हुआ, पेट में दर्द होने लगा, सिर में आपको दर्द होने लगा, इतना ज़्यादा सिर में दर्द होता था कि आपने सर फट जा रहा है ऐसा करके आप अपने सिर को दाब कर बैठे हुए थे। जी भैया, मैं ना चल पाता था, ना बैठ पाता था, ना खड़े ही रह पाता था भैया। मेरा सर इतना ज़्यादा दर्द करता था भैया, जैसे लगता था मैं मर जाऊँगा, बचूँगा ही नहीं। और आपने लिखा है कि आपकी सिर की नसें पूरी रिश्ते जैसे तन जाती है, पूरा पूरे दर्द में मैं पीड़ित था उस समय। जी भैया। और जब आपको डॉक्टर के पास ले गए तो डॉक्टर ने आपको कोरोना की दवा दी। जी भैया। फिर उसके बाद, उसको खाने के बाद क्या हुआ आपको? भैया उसको जब मैंने खाया तो मेरी तबीयत और खराब होती गई भैया, मेरा सर दर्द बढ़ता ही गया भैया, और मेरे बुखार भी बढ़ता गया भैया। जब गाँव के लोग कहते थे इसको कोरोना हो गया, इसके पास कोई मत जाओ भैया, सब मुझसे दूर दूर रहते थे। और डॉक्टर ने आपको कोरोना की दवा भी दी और लोग भी बोलते थे इसको कोरोना हो गया और इनके पास कोई भी ना जाए, इस तरह आपके गाँव वाले लोगों ने भी बोलना आपको शुरू किया। जी भैया। और आपने लिखा है धीरे धीरे आपको उलझन, घबराहट होने लगी और आपको इतना ज्यादा उलझन होता था कि आप सोचते रहा करते थे, आप डिप्रेशन में रहते थे। जी भैया, मैं चिंताओं में रहता था, हरदम मैं डिप्रेशन में रहता था भैया कि मैं कैसे ठीक होऊंगा, मैं कैसे आजाद होऊंगा। और फिर आपने लिखा है कि एक महीने बाद आपने लिखा है कि आप जब डॉक्टर के पास गए, आपने दवा ली, फिर आपको आराम भी हो गया, रिलीफ। जी भैया, उस टाइम तो आराम हो गया भैया। उसके बाद फिर क्या हुआ आपको? उसके बाद भैया फिर मैं उसी तरह फिर बीमार हो गया भैया, फिर वैसे ही कंडीशन हो गई, मैं और ज्यादा बीमार हो गया भैया, मेरे पैर की नस तन गई थी भैया पूरी तरह से। और फिर आपने लिखा है कि जब मैं इस तरह की प्रॉब्लम में था, उसके बाद गाँव के लोग ने आपको देखा कि आप बीमार हैं, तो आपको गांव के लोगों ने सुसमाचार दिया। जी। उन्होंने क्या बोला आपको? उस मम्मी को उन्होंने सुसमाचार दिया कि प्रभु के पास चलो और तुम सही हो जाओगे। आपकी मम्मी को गांव के लोगों ने बोला आप चर्च चलिए, यीशु मसीह के पास चलिए और आपका बेटा ठीक हो जाएगा। जी भैया। फिर आप चर्च आना शुरू किए। जी। और आपने लिखा है कि चर्च आने के बाद आप डॉक्टर के पास गए तो आपका खून जो है टेस्ट किया गया, आपका ब्लड टेस्ट हुआ, उसमें टाइफाइड बुखार, पीलिया और मलेरिया की बीमारी निकली। जी भैया। फिर आपने उन्होंने आपको दवा नहीं दिया, आपने दवा नहीं लिया, लेकिन लगातार आप चर्च आते रहे। जी भैया, जब उन्होंने कहा तुमको ये समस्या है, रिपोर्ट में निकली भैया, तो मैंने दवा नहीं लिया, मैंने प्रभु पर विश्वास किया कि प्रभु ये मेरा सही करेगा, ये समस्या मेरी प्रभु सही करेगा, मैं दवा नहीं खाऊंगा। और फिर आपने दवा नहीं लिया परंतु चर्च आते रहे और धीरे धीरे करके आप जब चर्च आते रहे आपको आराम होने लगा और आप धीरे धीरे चंगे होने लगे। जी भैया। फिर आपने लिखा है कि 2021 जुलाई महीने से आपने चर्च आना शुरू किया। जी भैया। 2021 जुलाई से आपने चर्च आना शुरू किया और लगातार आप चर्च आने के बाद 10 मई से 10 जून 2022 में आपने बाइबल स्कूल ज्वाइन किया। जी भैया। जब आप बाइबल स्कूल में थे उस समय आपने यहाँ पर क्या सीखा और कौन सी बातें आपने सीख करके अपने जीवन को आज अच्छा बना चुके हैं आप? भैया, हम जब बाइबल स्कूल में आए तो पापा जी के द्वारा जो वचन पापा बोलते थे उसको हमने सुना कि हम प्रेम से हमें रहना चाहिए और हमारे शरीर को नष्ट नहीं करना चाहिए भैया, क्योंकि ये हमारे परमेश्वर की मंदिर है भैया, और सबसे हमें मेल मिलाप से रहना चाहिए भैया। और जब ये भाई चर्च में आए और इन्होंने बाइबल स्कूल ज्वाइन किया, ध्यान दें कलीसिया, जब एक व्यक्ति पाप में जीता है और नशों में जीता है, पूरी तरह से लत में है, इसका मतलब यह है कि वो अपने शरीर को परमेश्वर की महिमा के लिए नहीं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं, परंतु शैतान की इच्छा के अनुसार चला रहा है। और इसी तरह इनका जीवन था, तो इन्होंने वचन को सीखा कि ये हमारा जो शरीर है ये परमेश्वर का मंदिर है, इसे ऐसे नष्ट नहीं करना चाहिए। इन्होंने सीख करके फिर अपने जीवन में इन्होंने सुधार करना शुरू किया। जी भैया। और फिर आपने लिखा है कि 10 जून को आपके लिए ले हैंड प्रार्थना हुई स्कूल में, और उसके बाद से फिर आपका जीवन कैसा होता गया? भैया, जब मैंने यहाँ बाइबल स्कूल किया उसके बाद मेरी धीरे धीरे सब प्रॉब्लम, सब समस्याएं चली गई भैया, और मैं बिल्कुल आजाद हो गया। तो आइए सब जन अपने स्क्रीन पर उस ले हैंड प्रार्थना को देखते हैं जिसके द्वारा ये पूरी रिश्ते पाप से आजाद हो गए, बीमारी से आजाद हो गए। तो आइए सब जन अपने स्क्रीन पर उस ले हैंड प्रार्थना को देखते हैं।
ताली बजाएं ऊंचे आवाज में सब जन। भाई रोहन बताएं कि उस ले हैंड प्रार्थना के बाद, उसके बाद फिर जब आप लगातार आज संगति में हैं, अब आपको क्या प्रॉब्लम थी और नहीं है आपके जीवन में? भैया जो भी प्रॉब्लम, जो भी समस्याएं थी भैया, कोई भी नहीं है अब, आपको कोई भी बीमारी नहीं है? जो बीमारी थी आपने दवा भी नहीं लिया और परमेश्वर ने आपको चंगा कर दिया जी भैया। और जो आप पाप में थे भाई, आप दिन भर में 3 से 4 बार हस्तमैथुन किया करते थे लड़कों के साथ, लड़कियों के साथ, यहाँ तक कि आप इतने पाप में हो चुके थे, जानवरों के साथ गलत संबंध बनाते थे, अब आपका जीवन कैसा है भैया? अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब वो सब कुछ मेरा छूट गया, परमेश्वर ने मुझे बदल दिया है भैया। जोर से ताली बजा के तारीफ करें। ध्यान दे कलीसिया, जितने भी लोग यहां पर, एक बात बताएं, जब परमेश्वर ने एक पापी व्यक्ति को बदल दिया, आप बताएं यहां पर क्या गलत काम होता है? हाथ को उठा के ताली बजाए, परमेश्वर के नाम को महिमा दे। और आप क्या कहना चाहेंगे जितने भी जवान लोग हैं, जो अभी लोग बोलते हैं कि वहां पर यह होता है, बहुत सारे लोगों का कमेंट आता है कि वहां पर शराब की बोतलें पाई जाती हैं, वहां पे गलत काम होता है, तो आप सुन सकते हैं इनकी गवाही से कि यहां पर क्या होता है। आप खुद बताएं कि आप, परमेश्वर ने आपको किस रीत से छुड़ा लिया है भैया? पहले मैं भी सोचता था, मेरा मानना था कि वो ईसाइयों का धर्म है, लेकिन जब मैंने यहाँ आया और पापा के द्वारा कहे गए वचनों को मैंने सुना भैया, तो मैंने प्रभु को जाना और मैंने सीखा कि यहाँ धर्म नहीं बदला जाता, यहाँ हमारा जीवन बदल जाता भैया। जो पाप में रहता भैया, वो हमारा जीवन बदल देता है परमेश्वर। और क्या बोलना चाहेंगे जितने जवान लोग यहाँ पर हैं, उनको अपनी गवाही के द्वारा आप क्या संदेश देंगे उनको उत्साहित करने के लिए? उन भाइयों को और बहनों को मैं कहना चाहूंगा जो इस तरह प्रॉब्लम में, जो समस्याओं में, और जो कहते हैं वहाँ धर्म बदलते भैया, ऐसा बिल्कुल नहीं होता भैया, क्योंकि मैंने सीखा है और मैंने देखा है, मेरा जीवन बदला है भैया, मैं बिल्कुल आजाद हूँ भैया। जोर से तारीफ करें, ताली बजा के पूरे आनंद के साथ, सब जन अपने हाथों को उठा के जोर से हालेलुया बोले। हालेलुया।